क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा गांव, एक युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। डिप्टी सीएम पहुंचे मुजफ्फरपुर, सीएम नीतीश पर कसा तंज। घर में हुआ जोरदार ब्लास्ट, लाखों का सामान का हुआ नुकसान। जोरदार धमाके से इलाके में फैली दहशत। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बाढ़ अनुमंडल की बाढ़ थाना की पुलिस ने बड़े साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान एसएसपी भारत सोनी ने बताया कि इस साइबर ठग पर कई राज्यों में मामला दर्ज है। बता दें, ठग ने बाढ़ के रहने वाले एक युवक की पत्नी से मार्केटिंग ऐप पर भेजकर करीब दो लाख दस हजार रुपए की ठगी की, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसका जो तार कहीं ना कहीं जामताड़ा से जुड़ा हुआ है और जो अपराधी है वो जामताड़ा का रहने वाला है। तो वही फिर हमने थाना स्तर से और हमारे जो टेक्निकल टीम है उसको सशक्त करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जो है टीम को हमने जामताड़ा भेजा और वहाँ पर एक साइबर ठग जिसका नाम है रईस अंसारी, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता काबुल अंसारी, बरमुंडी थाना करमाटाड़, जिला जामताड़ा, झारखंड का रहने वाला है। और टीम के द्वारा वहां पे छापेमारी की गई और बक्सर मुफसिल थाना क्षेत्र के इजरी गांव में जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय थाने की पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार भी बरामद किए। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कर जा रहे थे बजा करने के लिए, उधर से आए तो हम लोग गोली चली, हम लोग को कुछ पता नहीं था कब गोली लगी कब नहीं। हम तो जब पता उस भैया को लगी तो हम वहाँ से भाग चले। कहाँ से गोली चला रहा था? अपने छत से। कितने लोग थे? छह या सात से ऊपर ही लोग थे। कितना गोली चली? 3-4 राउंड से चली सर। कुछ पहले से विवाद विवाद कुछ है सर? सर हमको तो सर कुछ नहीं मालूम है। खबर गया से है जहां नगर निगम के वार्ड 33 के पार्षद पति मुजम्मिल के हुसैन को पुलिस ने शहर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। वहीं ड्यूटी के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप बताया जाता है। बता दें कि मेयर, डिप्टी मेयर व पूर्व डिप्टी मेयर ने सभी पार्षदों की बैठक का आयोजन किया जिसमें उक्त पार्षद पति भी मौजूद थे। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो होटल के पास भारी संख्या में जवान मुस्तैद किए गए हैं। केस है, अरेस्टिंग हुई है,
मतलब तहकीकात कर रहा है। किन लोगों को अरेस्ट किया गया है सर? कौन लोग? अभी यहाँ से 3 लोग, एक मेन अक्यूज है, उसके अलावा 2 हैं, दोनों का वेरीफाई किया जाएगा। क्या क्या नाम है सर? क्या नाम क्या क्या है? नाम कोई फुटेज से इनका पहचान किया गया है, एक मदस्सी जो है वार्ड पार्षद सदस्य है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? क्या बोलना चाहेंगे? देख लीजिए कि एक अपराधी को छोड़ करके एक प्रतिनिधि को किस तरह से व्यवस्था किया गया है। पुलिस पे हमला का आरोप है आपके ऊपर? कोई पुलिस का हमला नहीं है। अगर हमला भी दिखा दीजिएगा, वीडियो में दिखा दीजिएगा, अगर हमला नहीं। लंगट सिख महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी द्वारा भगवान राम पर दिए गए बयानबाजी को लेकर निशाना साधा और कहा कि उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही कहा कि उनका राजनीतिक कद समाप्त होना है। आज तक उन्होंने केंद्र से भी कभी बिहार की समस्याओं को लेकर बात नहीं कही और ना ही कभी बिहार की समस्याओं को दूर करने की पहल करते हैं। सिर्फ राजनीतिक बातें करना और विपक्ष को एकजुट करना, यही उनका लक्ष्य रह गया है। कारण वो बोल जाते हैं प्रभु श्री राम पर इस तरह की टिप्पणियां कहीं से भी अच्छी बात नहीं है और इनसे उनको बचना चाहिए। प्रभु राम जन जन और कन कन में समाये हुए हैं और भारतीय संस्कृति से भारत के जनमन से प्रभु श्री राम को इस तरह का बयान अलग नहीं कर सकता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानव जीवन की जो सर्वोच्च मर्यादा था उसको उन्होंने आम लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान के आदेशानुसार गढ़ पर स्थित संसदीय बोर्ड जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह के आवास पर सभी जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ मिशन लोकसभा विधानसभा 2024-25 को लेकर अहम मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों ने शिरकत की है। हम लोग अपने अपने प्रकोष्ठों के साथ साथ, चाहे वो मेन बॉडी जिला अध्यक्ष की जवाबदेही हो या सभी जिला अदर अध्यक्षों की है, इन सभी की जवाबदेही है कि अपने अपने विंग को मजबूत करें और पार्टी को एक मजबूती प्रदान करें, जो कि हम लोग का एक सपना है 25 माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग साकार कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? रजनीश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष संसदीय बोर्ड नालंदा। खड़कन माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज हम लोग राजु तिवारी जी के आदेशानुसार हम लोग पूरे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के साथ समीक्षात्मक बैठक किए और बैठक में आगामी आने वाला चुनाव 2024-25 के तैयारी के लिए प्रखंड से पंचायत और पंचायत से बूथ तक जाने का हम लोग ने निर्णय लिया और एक स्लोगन है कि लोजपा चला गाँव की ओर, इस स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगामी आने वाला चुनाव में हम लोग चढ़ बढ़ कर अपने नेता को जिताकर भेजने का काम करेंगे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ को मजबूत करेंगे और बिहार को सीएम बनाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक
आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। बिहार के बाद ब्रेक के बाद आपको आप सभी का स्वागत करते हैं। बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग के नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में महासचिव पद के लिए अधिवक्ता दीपक कुमार ने अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सभी सम्मानित सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद मैंने यह नामांकन किया है। हमें विश्वास है कि इस चुनाव में अधिवक्ता हमें जाति धर्म को भूलकर मतदान करेंगे। और साथ ही कहा कि संघ में अधिवक्ता के सभी सदस्यों को बैठने की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है और इसे युद्ध स्तर पर कराया जाएगा। साथ ही इसके अलावा कई बुनियादी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। मैं अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। मेरी प्राथमिकता इस बात की ज्यादा है कि इस संघ में जो भी आय और व्यय का ब्यौरा है वो सही समय पे सभी प्रत्याशी पहले से पूर्व के महासचिवों द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ इस संघ में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे कि अधिवक्ता लोग के मान सम्मान को काफ़ी ठेस लगी है, जिसमें सुधार करने के लिए ही नवादा में बीती रात शहर के गोंदापुर ईदगाह के पास घर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरे मकान के नीचे की छत लोहे से बना ग्रिल टूट कर गिर गया। हालांकि अभी तक हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया। वहीं पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक भाई एक उठे चिल्ला चिल्ली करने लगे हम लोग के बाल बच्चा की का हो गया ना हो गया, और उठे तो बाहर देखे तो आग लहक रहा पूरा उधर। बहुत हैवी विस्फोट हुआ, एकदम बहुत आवाज आई थी, एकदम धरती बोला तो एकदम छत उत हिल गया, एकदम पूरा छत उत हिल गया। हम लोग तो बाल बच्चा पूरा गर गर आए वो पीट रहा था। कौन रहता था इस घर में? घर में का है वहीं तक तो है। और उसके बाद 12:30-1 में ये घटना अचानक घटा है, जो कि हमको मोबाइल नंबर से फ़ोन मिला कि आपके घर में गैस फटा, मोहल्ले के लोग बोला। मगर हम लोग आकर के तहकीकात किए हैं, फिर प्रशासन को बुलाए और पानी टंकी को भी बुलाए। पानी टंकी भी आकर के देखे, अपना बुझाएं जरा अपना, हम लोग पहले बुझा चुके थे। और उसके बाद प्रशासन भी अपना डिसीजन लिए, रिपोर्ट लिए, देख लिए, गैस सिलेंडर भी देखें, सब कुछ भी देखें, मगर कहीं उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब रात में क्या लिख करके ले गए नहीं ले गए अभी तक हम लोग को कोई पता नहीं। गैस सिलेंडर उसी है, गैस ब्लास्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, सुरक्षित है गैस सिलेंडर। अभी भी नहीं लिए, सब परिवार दौड़े दौड़े आए, देखे तो आग लग रहा है। क्या गैस फटा हुआ था क्या? वो हमको तो समझ में उस समय आई ही नहीं, हम देख भी नहीं पाए, बाबू लोग को भी अंदर डर से जाने नहीं दिए। आज आप आए, गैस का क्या कंडीशन था? गैस ब्लास्ट किया था? नहीं, गैस ब्लास्ट नहीं किया, गैस तो गैस उसी रखा हुआ है तो, और इस तरह से एकदम मकान गिरा हुआ है। कोई नहीं था क्या उसमें? नहीं, उसमें कोई नहीं था। दो किरेदार है, दोनों आपस में रिश्तेदार थी, एक ठो की बहन दी थी, एक ठो की भतीजी, वही लड़की, और उसी में दोनों परिवार शादी में चल गया था। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के नादो पंचायत के मधुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट चली, जिसमें एक बच्चे सहित 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे परिजन के द्वारा सीएससी सौर बाजार में भर्ती करवाया गया, जहां तीनों युवकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेज दिया है। कतो का मामला छे? कौन जगह लड़े भेल ये? मोदरा। मोदरा में वार्ड नंबर 6। क्या गो आदमी घायल भेल ये? दू गो बच्चो यहीं के छी? यहीं तरफ के बच्चा छी। और क्या गो भेल ये बच्चा के अलावा? मार छे सब का कम। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के गमरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार योजना के संचालन में प्रखंड प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत में चल रही कल्याणकारी योजनाओं में प्रखंड प्रशासन के मनमानी रवैये से योजना कई महीनों से लंबित रहता है, जिसका सीधा लाभ पंचायत के जनता को नहीं मिल पाता है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार ने बताया कि जो भी योजना पंचायत में संचालित हो रही है उसके जांच के लिए जिला के वरीय पदाधिकारी को भी आवेदन किया गया है। शुभम के द्वारा पंचायत को बाधित करने का काम किया जा रहा है। आखिर उन लोगों को बाधित करने का मंशा क्या हो सकता है?
साक्षी शुभम का तो मनसा है कि जो हमको 2000 प्रति शौचालय मिलेगा तभी हम काम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। आपको जहां कंप्लेन करना है कर दीजिए, हम यहां से लेके डीएम तक मैनेज करते हैं उसी पैसा में, हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो अभी मातृता अवकाश में है, फिर भी जो है वो अपना हुकुम प्रखंड कार्यालय पे चला रही है। अच्छा, बराबर यहाँ सुनने में आता है कि मनरेगा के द्वारा जो है बहुत रकम की उगाही की जाती है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मनरेगा के द्वारा अभी हमारे यहाँ जो है स्वच्छता अभियान में WPU का कार्य चल रहा है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। इस समय हम नगर पंचायत